चाइनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी याडिया ग्रुप ने 2019 आइकमा में C1S इलेक्ट्रिक स्कूटर का अनावरण किया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3.0 किलोवाट साइड माउंटेड मोटर, डबल लिथियम बैटरी दी गई है। याडिया का कहना है कि बैटरी को 1204 साइकिल की लाइफ मिलती है और ये 5 साल तक चल सकती है। एक फास्ट चार्जर का उपयोग करते हुए दोनों बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। ये 100 किलोमीटर की रेंज देती है। ये 6.0 मैक्स आउटपुट पावर, 138 Nm मैक्स टॉर्क और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्स स्पीड देती है। इसमें लार्ज LCD स्क्रीन आपको मिलती है, साथ ही ये वाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, रेड इन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।